know of six types of errors, and those six types of errors are what? One is error of omission, commission, principal, original entry, compensating errors, and complete reversal. किसी को भी इस एरर्स के बारे में कुछ भी पता है? एनीबडी नोज ओमिट कर देना एरर को। दिस एरर? एरर ऑफ ओमिशन मतलब आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड, भूल गए रिकॉर्ड करने. ओके, कमीशन मतलब रॉन्ग नेम. आई हैड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ए, और मैंने रिकॉर्ड कर दिया इन द बुक्स ऑफ बी, या सलमा के अकाउंट में डालना था और मैंने डाल दिया सलमान की अकाउंट में, या मैं कह सकती हूँ मुझे कैरियज इनवर्ड के अकाउंट में डालना था एंड मैंने गलती से डाल दिया कैरियज आउटवर्ड के अकाउंट में. ठीक है, ये है एरर ऑफ कमीशन, जहां पे हम लोग गलत नाम में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, लॉन्ग सॉरी, जैसे कैपिटल रॉन्ग एक्सपेंडिचर को अकाउंट यहाँ पर है ना, रॉन्ग नेम या रॉन्ग अकाउंट, ये एरर ऑफ कमीशन हो गया. एसेट्स टू लायबिलिटीज या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब हम लोग, हमारे प्रिंसिपल ही रॉन्ग है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर दिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह, कोई समझा सकता है इसका क्या मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। है? हाँ, मतलब मैंने ये क्यों रेवेन्यू बोला? एक्सपेंडिचर इज समथिंग वी डू ऑन डेली बेसिस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज समथिंग वी डू वेरी रेयरली। कभी कभी तो मैं जब एरर ऑफ प्रिंसिपल करती हूँ तो मतलब मैंने क्या करी हूँ? जब मैंने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है मतलब मैंने क्या किया है? इंप्रिंसिपली रॉन्ग रॉन्ग हो क्लास, मिस रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट ऐसा कुछ था ना। हाँ, तो कुछ एग्जांपल दो ना मुझे एरर ऑफ प्रिंसिपल का. एसेट्स टू लायबिलिटीज एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल, उदाहरण आया. मेरे को करंट एसेट्स में डालना था, मैंने करंट लायबिलिटीज में डाला, या तो ट्रेड रिसीवेबल्स में डालना था, ट्रेड पेएबल में। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों तेरी बैलेंस शीट आइटम ही थी ना, तो बैलेंस शीट की आइटम बैलेंस शीट में डालना कुछ फर्क नहीं है, वो प्रिंसिपल नहीं है. जब एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करते हैं मतलब इनकम अपनी इन्वेंट्री स्टेटमेंट टू के आइटम क्लोजिंग को बैलेंस शीट इन्वेंट्री में डाले हैं, या बैलेंस शीट की आइटम को इनकम स्टेटमेंट में डाले? एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई इसका? ओपनिंग इन्वेंट्री टू क्लोजिंग इन्वेंट्री आयरा, कैन यू हेल्प? मिस आई एम नॉट श्योर बट आई कैन गिव समथिंग फॉर रेवेन्यू एक्सपेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। या टेल मी. मिस आई थिंक रेवेन्यू एक्सपेंस वुड बी मे बी बाइंग गुड्स ऑन अ डेली बेसिस एंड इफ यू ट्रीट इट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आई थिंक यूल पुट इट एज लेस इंस्टेड ऑफ मोर आई थिंक। नो, जारा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैंने ट्रीट कर दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज कैपिटल एक्सपेंडिचर या वाइस वर्सा, कुछ एग्जांपल दो. मिस इन्वेंट्री को जो इनकम स्टेटमेंट में आता है उसको अपने ट्रेड रिसीवेबल्स में डाल दिया ऐसा कुछ। इन्वेंटरी तो करंट एसेट में भी आता है ना, बैलेंस शीट में भी आता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किधर दिखता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे इनकम स्टेटमेंट में दिखता है. हाँ या ना? कैपिटल इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर किधर दिखता है? बैलेंस शीट में दिखता है. तो जब मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल करती हूँ ना, तो मैं इनकम स्टेटमेंट की आइटम को बैलेंस शीट में डाल देती हूँ, या तो फिर, और
मैं बैलेंस शीट की आइटम को इनकम स्टेटमेंट में डाल देती हूँ, या इनकम स्टेटमेंट की आइटम को बैलेंस शीट में डाल देती हूँ, या बैलेंस शीट की आइटम को इनकम स्टेटमेंट में डाल देती हूँ. ऐसा जब मैं एरर करती हूँ, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. मैं एक एग्जांपल दू, रिपेयर टू मोटर व्हीकल ट्रीटेड एज मोटर व्हीकल परचेज, या मैं कह सकती हूँ रिपेयर्स टू मोटर व्हीकल डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट. 2 मिनट लो और इसके बारे में सोचो कि मैंने क्या की हूँ इसके अंदर. रिपेयर टू मोटर व्हीकल किधर आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किधर आता है? इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस में. स्टेटमेंट में दिखाए गए, उसको मैंने किधर डाल दी? बैलेंस शीट में डाल दी. इसका मतलब है आई ट्रीटेड एन आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड आई हैव पुट इट इन द बैलेंस शीट. मैंने रिपेयर्स को ट्रीट कर दिया एज इफ आई हैव परचेज्ड अ नॉन करेंट एसेट. तो मतलब मैंने प्रिंसिपली मैं गलत हूँ, इधर की आइटम को उधर डाल दी, इनकम स्टेटमेंट की आइटम को बैलेंस शीट में डाल दी. क्या तुम लोग मुझे बोल सकते हो ये जो एरर मैंने की हो इसका इफेक्ट क्या होगा? ये जो गलती मैंने की हो इस गलती का इफेक्ट क्या होगा? ओवरकास्ट कर देगा ना ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस का एक साइड का अमाउंट ज्यादा रहेगा. अरे भाई मैंने ट्रायल बैलेंस में रिपेयर्स मुझे लिखना चाहिए था. सपोज रिपेयर्स 100 लिखना था तो मैंने रिपेयर्स के बदले में मोटर व्हीकल लिख दिया तो भी 100 ही लिखी. गलती क्या थी कि वो होना चाहिए था रिपेयर्स और मैंने उसको बना दी नॉन करेंट एसेट. इस एरर का इफेक्ट क्या होगा? एनीबॉडी? ओवरकास्ट. ओवरकास्ट कैसे बेटा? रिपेयर मतलब डेली खर्चा, और डेली खर्चे को मैंने ट्रीट कर दी कि ऐसे बता दी कि मैंने एसेट खरीदा. अब मेरे को इसको रेक्टिफाई करना है. हाँ तो इस ये एरर करने के वजह से इफेक्ट क्या होगा मेरे इनकम स्टेटमेंट पे? क्या इफेक्ट होगा बता सकता? The expenses will be less than. हाँ, रिपेयर्स जाना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में. मैंने उसको डाल किधर दी हूँ? परचेजेस. किसके परचेज में डाल दी हूँ? बैलेंस शीट में डाल दी. नॉन करंट एसेट में डाल दी हूँ ज़ारा. रिपेयर्स जाना किधर चाहिए? एक्सपेंस. इनकम स्टेटमेंट में मैंने उसको डाल किधर दी हूँ? नॉन करंट एसेट्स. मतलब मैंने एक्सपेंस को किधर डाल दी हूँ? एक्सपेंस को किधर नॉन करंट एसेट्स. ओके, एक्सपेंस को किधर डाल दी? नॉन करंट एसेट में डाल दी. इसका मतलब ये है मैंने एक्सपेंस को अंडरस्टेट करी हूँ. Think and tell. And I can't see your video. Does this mean कि मैंने expense को understated क्यों? हाँ या ना? हाँ. Expense understated करियो तो profits क्या होगा? Overs. खर्चा कम बताई हूँ तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा. तो एक्सपेंस अंडरस्टेट कर दी तो उससे प्रॉफिट ओवरस्टेट होएगा. और नॉन करंट एसेट्स क्या होएगा?
non-current assets, overstate. Overstate, क्योंकि मैंने repair को बता दी as a non-current asset. ठीक है, ये मेरा कौन सा error है? Error of principle. Error of principle में क्या होता है बताओ? एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम लोग ट्रीट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करती हूँ, मतलब क्या है बताओ? बताओ. इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट की आइटम को किधर डाल देती हूँ? बैलेंस शीट में डाल देती हूँ. मतलब क्या है? मैं एक्सपेंस को क्या कर दी हूँ? अंडरस्टेट कर दी हूँ. प्रॉफिट्स को क्या कर दी? ओवरस्टेट. और नॉन करंट एसेट्स को क्या कर दी? ओवरस्टेट. ये ऐसा हुआ जब मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट की. अगर उल्टा सिचुएशन है, इफ आई हैव अनदर सिचुएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा? पहले एग्जांपल दो. Give me example. The best of machinery go. I think. MBA. Bol. Repairs to machinery go kar diye purchase of machinery. Repairs ko purchase treat kari to matlab maine ye kyu? Repairs ko purchase of assets. Oh, aisa to fir. Purchases of machinery को हमने repairs of machinery करते हैं. Purchase of machinery. Are you with me? Yes. Debited to repairs. तो चलो, if I do this error, that means I have treated what? Capital expenses, revenue expense. चलो, give me the effects of this error. Give me effects of this error. Expense will be overstated. Okay. Profits will be understated. Expense overstated. Profits understated. Or current asset overstated. It was non-current a capital expenditure. But I treated it as a revenue expenditure, a non-current asset understated. I hope you all are clear with this. So what happens in error of principle? Revenue expenditure as capital expenditure or capital expenditure as revenue expenditure. Please take a snapshot of this, those who want to make notes. Okay, done? Yeah. Chalo, wapis se. Again, what are the different types of errors that we make? Error of omission mein kya hota hai? Forgot to record. Zara. Error of omission में क्या होता है? Forgot to record. Error of commission में? Wrong name of account. Wrong name. Error of principle में? Revenue expenditure treated as capital expenditure. Or capital expenditure treated as revenue expenditure. Error of original entry में
wrong amount error of original entry mein what do we do, there is a wrong amount. Compensating errors mein just remember undercast and overcast. Compensating errors mein just remember what, undercast and overcast. Aise words aayenge means you have done a compensating error. Error of complete reversal. इसमें क्या होगा? Complete reversal. Debit होगा ऐसा वो सब. Debit को credit treat कर दिया. Wait नहीं तो. मैंने एरर ऑफ ओमिशन क्यों, तो अगर मुझे इस एरर को करेक्ट करना है, मैं कुछ रिकॉर्ड करने भूल गई हूँ, तो अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? अरे बोलो, अगर मैं कोई चीज रिकॉर्ड कर लेके, मायरा यू देयर विद मी? यस. इफ आई फॉरगेट टू रिकॉर्ड समथिंग, सो हाउ विल आई करेक्ट द एरर? उसको रिकॉर्ड करके तो मैं रिकॉर्ड करूंगी. सो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन एंड इसका करेक्शन है आई हैव टू रिकॉर्ड इट. सो रिकॉर्ड इट. Zara, give me the entry for this. Cash debit. And? Or sales credit. Yes. So my first error was error of omission and मैंने उसे record किया. Aira, come on, explain me what is the error that I've made over here. Yeah, miss one sir. Miss, errors of principle. Why principle? USB. Miss, because I think it's entered in the wrong place, but it doesn't match any other thing because it's not the wrong name or forgot to record. Zara, can you help him? Miss, complete reversal. कैसे? Miss, cash book में डालना था, sales account में डाल दिए. Read कर बराबर. आयाना दी मदद कर. मिस कमीशन. दो लाफे दूंगी मैं ऐसे लगा के. आयाना दी मदद कर. एरर ऑफ ओमिशन ना मिस. ये पार्शियल ओमिशन है. एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन. देखेंगे कैसे. कैश बुक ये हो गया है. दिस इज डन. तो मतलब इसको मुझे करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, ये हो गया है. Entered in the cash book but not in the sales account. I did not do this. मतलब मैं ये करने भूल गई है ना. अब इसको करेक्ट कैसे करूंगी? रेक्टिफाई करके. कैसे रेक्टिफाई करूंगी? जो
कैश बुक में हो गया है, सेल्स में नहीं हुआ है तो सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। बोल सारा। नहीं रिवर्स कर देंगे एंट्री को, रिवर्स कर देंगे एंट्री को शायद। देख कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट ये एंट्री बनती थी, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया ये किया और ये नहीं किया, जो किया है वो तो सही है ना, कोई प्रॉब्लम है? जो की हूँ वो तो काम सही करी हूँ ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम। आयरा नो तो जो नहीं किया है उसको कर दो। क्या नहीं किया मैंने? व्हाट आई डिड नॉट डू? सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड। सो आई डिड नॉट क्रेडिट द सेल्स अकाउंट, सो आई विल क्रेडिट द सेल्स अकाउंट बाय 2000। बट एवरी एंट्री शुड हैव अ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बिकॉज ऑफ दिस एरर मेरे सस्पेंस अकाउंट में दिक्कत थी, सो आई विल रिकॉर्ड इट इन सस्पेंस डेबिट 2000। नाउ सी व्हाट हैड हैपेंड, इसको ध्यान से समझो। सपोज इफ दिस वाज माय ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इन द ट्रायल बैलेंस बोथ हैड अ टोटल ऑफ 10,000 10,000, देन आई डिड कैश सेल्स 2000 एंड आई रिकॉर्डेड इट कैश 2000, डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया। I did not record on the credit. Do you all agree with this? Yes, ma'am. So that means my totals did not agree. This was 12,000 and this was 10,000. Do you all agree with this? Yeah. Zara? Yes, ma'am. तो मुझे तो ट्रायल बैलेंस टैली करना ही पड़ेगा, तो मैं टेम्पररली ये 2000 डाल के इसे एक ऐसे अकाउंट में डाल देती हूँ जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम है? सस्पेंस अकाउंट। कोई दिक्कत है? नहीं। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। Where? See which balance suspense account has? Oh, this one credit. Credit balance. अब मुझे मेरी गलती पता चल गई है कि it was because of this. Because I had to write sales over here and I did not write it. तो तब मैंने temporarily suspense account create कर दिया which had a credit balance of 2000. So now I will debit the suspense account to cancel this effect. जो नहीं किया उसको कर दी and जो temporarily suspense account create हुआ था उसको cancel कर दिया. Think over it and tell me. सारा समझ में आया ना? थोड़ा थोड़ा थोड़ा। देख एक और बार देख, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, दिख रहा है ये ट्रायल बैलेंस है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस में डेबिट का टोटल 10,000 है, क्रेडिट का टोटल 10,000 है, कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं। मैंने कैश सेल्स किया 2000 का, तो कैश डेबिट होना चाहिए 2000 और सेल्स क्रेडिट होना चाहिए 2000, सही सही। लेकिन मैंने ये करना भूल गई, मैं क्या करने भूल गई? सेल्स क्रेडिट करना भूल गई। ओके, सेल्स क्रेडिट करना भूल गई। अब ये भूल गई, उसके वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस अग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है तो डेबिट 12,000 है और मुझे अभी क्रेडिट को भी 12,000 करना है. सो टेम्पररली मेरे ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए मैं एक अकाउंट क्रिएट करती हूँ जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट. हाँ बोल डाउट बोल एक मिनट. तो टेम्पररली मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया सस्पेंस अकाउंट. टेल मी सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है. जारा सस्पेंस अकाउंट के पास अभी क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है अभी मैं एंट्री को रेक्टिफाई कर रही हूँ. क्या कर रही हूँ रेक्टिफिकेशन कर रही हूँ. तो एंट्री बनती है कैश डेबिट 2,000 सेल्स क्रेडिट 2,000 करेक्ट. कैश को तो ऑलरेडी डेबिट कर दी थी तो ये तो कर ली. ये नहीं करी हूँ तो ये अभी करना पड़ेगा करेक्ट. सेल्स क्रेडिट करना पड़ेगा तो डेबिट क्या करूँगी. सस्पेंस को डेबिट में करूंगी. सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करूंगी और ये सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करूंगी ना तो सस्पेंस डेबिट सस्पेंस क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा और मेरा एरर खलास हो जाएगा. सस्पेंस अकाउंट के पास कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है सस्पेंस डेबिट. रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है सस्पेंस डेबिट 2,000 और सेल्स क्रेडिट 2,000. जो नहीं किया वो कर दो और सस्पेंस को कैंसिल कर दो. थिंक डाइजेस्ट एंड टेल मी. Drawings will be debited and what will be credited? Cash. You're doing drawings of goods. Oh, goods. So, goods credit. Purchases credit. Purchases, yeah. Drawings debit, purchases credit. So, 2,400 ka maine drawings kari ho has been debited to drawings. Has been debited to drawings. मतलब ये तो कर दिया है तो ये वापस से करने की जरूरत नहीं है. Please see this. Has been debited to drawings. The good suspense account debit and purchases credit. Yes, very good. So the entry will be suspense debit 2,400 and purchases credit 2,400. With me? Yes. Come on. Ye kaun sa error hai? Which error is this? Partial omission. Very good. This is error of partial omission. Go to the next one. Ayana ji, tera hoega to tu aage badhte jayega. Come on, fifth one. Who's giving me? What is the entry? Commission received $90. Commission received debit, suspense, credit. पहले normal entry क्या होती है? Bank debit, commission received credit. This has been entered in the cash book. मतलब ये हो गया है. ये हो गया है ना?
This is done. Right, Zara? Yes. But it is not recorded and commission received. Not recorded and commission received matlab ye karna baki hai. So what will be the entry? Come on, tell me. Commission debit. Sorry? Commission debit. अरे बाबा कमीशन रिसीव्ड इज क्रेडिट ये मेरा एक्चुअल होना चाहिए सस्पेंस डेबिट कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट या सस्पेंस डेबिट 90 एंड कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट विथ मी यस कम ऑन द नेक्स्ट वन No entry has been made. Okay, this was which error? Which error? Omission. Sorry? Omission. Partial omission. Adhi entry bol ga na. Ye koin sa omission hai? Partial omission. Ye koin sa error hai? ये कौन सा एरर है ये कौन सा एरर है नो एंट्री पूरी एंट्री भूल गए मिस एरर ऑफ ओमिशन ओमिशन बट दिस शुड बी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन So what I want to tell you all is when there is partial omission, suspense account will come. The trial balance will not agree. But when there is complete omission, puri entry chali gayi hai. So trial balance will still agree. Okay? Come on. As the entry 6, 7, 8, 9. Can somebody share screen? Should I stop sharing my screen? Koi share karne wala hai apni screen? Maine to laptop se join kiya. Theek hai. iPad pe ye hai. Likh rahi hai. अयान अली तू क्या कर रहा भाई अयान अली अयान अली हामिश क्या कर रहा है मैं वो लास्ट की टीम चार उसके हाथ में सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे कैसे बनाएंगे पहले मैं ये कर लेता फिर पता फॉर द सिक्स्थ वन द एंट्री विल बी डिस्काउंट अलाउड डेबिट राइट द सिक्स्थ वन द Journal entry will be discount allowed debit over here. Yeah, discount allowed debit and LIM credit. Yeah.
tell me, seventh is which error? Ayanali? Amish. Suspense account. ठीक है, we are learning how to make the suspense account. So when you have to make a suspense account, first thing we will see the journal that we made. This is the journal that we made. Okay, you go and search for suspense, not there. Suspense debit, how much? 2000. That means on the debit of suspense account, you will record 2000. And what will you write? Sales. Any doubt? So, suspense. Please say suspense. Credit. On the credit of suspense account, I will record 100 and I will write cash. Come on. Suspense. Suspense. Debit. That means what? You'll write purchase on the debit side. On the debit of suspense account, I will write purchases. ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे. Suspense. So you write commission received on the debit side. On the debit side. यहाँ पे भी suspense debit. So I will write A1 suppliers on the debit side. Again suspense debit. So I will write 4,500 on the debit side. Suspense debit. So I will write again sales return on the debit side. So this is how you make the suspense account. Suspense account tally ho gaya means there are no more errors. Suspense account tally nahi hua hai means there are further errors. एंड बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे. डेबिट बैलेंस हुआ तो करंट एसेट में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस हुआ तो करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे. Am I very clear with this? How to make a suspense account? Yes. This is the most easiest thing. हमें अगर टैली नहीं हो तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, बैलेंस को बैलेंस शीट में लेके जाना. नॉर्मली तुमको जो सम्स देंगे ना उसमें सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाएगा. ठीक है, तो अभी मैं मीटिंग पॉज कर रही हूँ. और यू राइट ऑन द टॉप एंड वट एवर इज लेस यू राइट ऑन द टॉप. क्रेडिट बैलेंस इज मोर, डेबिट बैलेंस इज लेस ऑफ पोका. सो वेन यू सब्ट्रैक्ट एंड यू गेट द आंसर ना, द आंसर विल बी वॉट? Tell me, credit is more. From that you will minus the debit, you will still be remaining with a credit of 90. See, 2100 is a credit balance. From this credit, if you remove the debit, now you still have the credit. The more will still be left with you. So whatever is more is still going to be with you and it is going to come ahead with you. So POCA will be credited by 90. Are you with me? Yes. Okay. That means if you tally over here, you had credited POCA by 2010. You had to credit it with 2100. So 90 less credit was there. So now you put this credit. Now just tally with purchases. You have purchases debit. How much? 2,100. Credit, how much? 2,100. What is more? Debit. So the answer will also be a debit. Okay?
You minus and you get 90 because his credit is going to get wiped off. So purchases, debit, 19. So what is more will remain with you in the answer. And then you decide what to debit and what to credit. Please go through this and tell me. Okay, so the net effect is that you had debited purchase by 2010. You debited it by 90 less. So 90 yahan pe rectification mein. Please tell me. What did you ask? Any doubt? Miss, one second. I'm just writing this. Take a snapshot. Miss, iske baad wala bhi sun raha tha. Miss, I. Okay, come on. Rent received 340. What will be the correct entry? Rent but received debit. Sorry? Cash credit. Are rent received? Paisa aaya. उसकी क्या करना है करेक्ट एंट्री हाँ बैंक डेबिट और रेंट रिसीव्ड क्रेडिट रिसीव्ड लिख देना हाँ हाँ सर 340 व्हाट इज द रॉन्ग दैट यू डिड You had correctly debited to the cash account. यानि cash account में तो हम लोगों ने बराबर डाले. कोई दिक्कत है इसमें? Any doubts? No. But posted as 350 to rent revenue account. Rent received. कितना डाले? 350. Any doubt over here? No, miss. Reverse the wrong that you did. Miss, the first thing that you've written or the... Yeah. The rent received debit and bank credit. This is, I'm reversing the wrong that I did. Yeah, miss. Now I have to pass rectification and time. So will be 1 minute. Bank debit, bank credit is getting cancelled. Okay. Now rent receive has a debit and a credit, but with different amounts. So the debit is 350. Credit is 340. Right? What is more? Debit. The answer will be in debit only. What is if you subtract it will be 10. So you will say rent received debit. ठीक है? Suspense credit 10. Any doubt with this? But at the same time, one more transaction happened. Wages paid 590. What is the correct entry for this? What is the correct entry to pay wages? For wages, Wages paid debit. Credit. Wages cash debit. भाई pay करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा. बाहर जाएगा. पैसा credit होगा. हाँ. ओह हाँ sorry मैंने कुछ. तो wages debit कितना? 590. Cash credit कितना? 590. कोई दिक्कत है?
Any doubt? No. Correctly credited to cash account. Correctly credited to cash account. That means cash account credit is correct. Posted as 600 to wages. Posted as 600 to wages. So wages was debit. How much? 600. 600. Reverse the wrong that you did. So it will be cash, debit, 590. Wages, credit, 600. Correct? Cash, debit, 590. Cash, credit, 590 cancels because it is the same amount. Correct? Now I have wages. Yeah. Wages, the credit is how much? 600. Debit is how much? 590. Bacha kitna? 10. Which is the more? Credit. So the rectification entry will be wages, credit, 10. Suspense, debit, 10. Now look at me very clearly. This is full one entry. Correct? This is full one entry, correct or wrong? This is complete one entry, right or wrong? Yeah, miss. Ayan? ये एक पूरी एंट्री है सही या गलत सही है इसकी दो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनी है क्या मैं इसको क्लब कर सकती हूँ क्या मैं इसको क्लब कर सकती हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्या मैं इसको क्लब कर सकती हूँ पहले मुझे ये बता क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकती हूँ ये दो एंट्री को दो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनी है एक और दो कैसे करेंगे बता सोच के अमाउंट्स ऐड कर देने का कैसे एक एंट्री दे मुझे ये दोनों को ज्वाइन करके सस्पेंस डेबिट सस्पेंस क्रेडिट कैंसिल कर दो लवली सस्पेंस डेबिट सस्पेंस क्रेडिट कैंसिल कर दिया ठीक है एंट्री दे रेंट रिसीव डेबिट वेजेस क्रेडिट ये हो गए रेक्टिफिकेशन एंट्री Doubt? No. No, miss. I'll just solve this. Yeah, solve it.